पहले तो ये भी डिसाइड करना है ना। तैयार हो गए मामा की शादी में जाने के लिए है? अरे वाह, अरे वाह, कहाँ जा रही हो? ननक के घर। What's up guys, welcome to another vlog। आज का vlog होने वाला है celebration से भरपूर, क्योंकि मेरे साले की शादी है, रुतुल के भाई की शादी है और हम सब लोग dressed up होके जा रहे हैं वहाँ पे enjoy करने और lovely couple को best wishes देने। ये जूते मैंने अपनी शादी में पहने थे, वही अब पहन रहा हूँ मैं। तो गाइस बात है कुछ ऐसी, मेरे को बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे देखिए अपने साले साहब की शादी की वीडियो डालो। मैं चॉकलेट खा रहा हूँ, ये शुगर फ्री डार्क चॉकलेट। बहुत लोग मुझे कह रहे थे कि साले साहब की वीडियो की शादी डालो, शादी की वीडियो डालो। मैंने पूरा अच्छे से शूट नहीं करा, इसमें व्लॉग शूट करना, क्योंकि क्या है शादी में म्यूजिक बज रहा है, डीजे बज रहा है, शोर है, ढोल है, बात हो रही है, सब लोग बिजी है, सब लोग के पास टाइम, तो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब एनीवन कि भाई तुम शादी का काम छोड़ के मेरे साथ ब्लॉग करो। तो थोड़ा अजीब लगता है कि भाई सब लोग काम कर रहे हैं, मैं काम तो करा नहीं रहा हूँ, ऊपर से मैं लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा हूँ। करा है ब्लॉग थोड़ा बहुत, इट्स एंड बिट्स ब्लॉग करा है, आप देखिए इंजॉय करिए और वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप मुझे जानते होंगे फ्लाइंग बीच चैनल से, और आज है घर पे शादी का माहौल। थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है व्लॉग करते हुए, बिकॉज यहाँ बहुत सारे रिश्तेदार है, काम बहुत सारा है। तो बालों का टेंशन तो नहीं रहा ना? कम नहीं, क्यों, ये तो खत्म होगा ना, टेंशन नहीं है बालों का। बाल नहीं, मैं तो कंघी लेके चलूंगा। चार बुआ से उन्होंने वैसे बिगाड़ दिया। चश्मा भी पैक कर दिया आपने अंदर इसके? अच्छा सही है, अब चश्मा नहीं उतार पाओगे। रात तक बंदी रहेगी? रात तक बंदी रहेगी। तो रशबरी को लेके मामा की शादी है, तो अभी घुड़चढ़ी होने वाली है। घुड़चढ़ी के बाद मंदिर जाएंगे यहाँ से। और ये देखिए, ये है पिंकू जी, तैयार हो चुके हैं। जी क्या चल रहा है अंदर भाई? ये है हमारी ऋतु राठी। हाँ जी, तैयार क्यों नहीं है आप अभी तक? इनको कटरीना बनने का ज्यादा शौक है। हाँ, इनके मामा की शादी, ड्रेस तो दिखा भाई अपनी एक बारी, सीधा तो जा। ये हमारे छोटू साहब भी आ गए, हमारे जीजा नंबर 3। इन्होंने पगड़ी क्यों नहीं पहनी है, लोग ये पूछ रहे हैं। पहनने वाला हूँ मैं। नहीं, ये लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने आज क्लेम किया कि मेरे बाल बड़े सेक्सी लग रहे हैं। बाल दिखाइए जरा, माय गॉड इतने सेक्सी बाल। चिकल ओ मेरी जान। फोटो तो ऐसे खिंचा रहे, दूल्हे आप ही हो, वाह। आखिरी कुछ घंटों में भी, तो क्या जो संदेश देना चाहेंगे हमारे यंग युवक युवतियां जो देख रहे हैं इस वीडियो को? संदेश इज दैट, संदेश ये है कि अब शादी सबको करनी है, अभी कोई संदेश आ नहीं रहा। हमारी 3 साली हैं, ये तो अपनी घर की है, दिस इज बाहर की है, ये दोनों बाहर वाली हैं, ये निशा है, निशा जी हैं और ये सीमा है। तो आपको कैसा लग रहा है आपके भाई की शादी है? हम अभी बहुत ज्यादा हैसल्ड है, टेंशन इतनी लग, थके हुए भी हो? नहीं थके हुए, कल रात को नाचे खूब। हाँ, ये देखिए, ये ऐसे लगा हुआ है, ये बाहर से आर्टिफिशियल लॉक ताकि नजर ना लगे दूल्हे को।
मंदिर में आए, मंदिर में आशीर्वाद लेके पूजा अर्चना करके उसके बाद दोबारा घर जाएंगे। वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे रोहतक। रोहतक में मेरी शादी होगी, लड़की वाले रोहतक से हैं। तो अभी भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं दूल्हा साहब, क्योंकि इनकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है और इसीलिए भगवान का आशीर्वाद देते हुए शिव लॉगिंग करेगा। मेरा रशी व्लॉगिंग करेगा। अब तो हम घर जा रहे हैं, रशी को खाना खिला देंगे। रशी किचिक किचिक, ये मेरा रशी सीन। ये दूल्हे राजा निकल चुके रोहतक के लिए। हम लोग अभी यहाँ पे खाना खाएंगे। मैं अपना खाना लेके आया हूँ, पापा मम्मी का खाना आ चुका है। चलो खाओ भाई, कैमरे में मत देखो, मेरा काम चलता रहता है। चलो मेरा खाना मैं लेके आया हूँ। नॉट ईटिंग शादी का फूड, डाइट ऑन पॉइंट। ये रितु ने अपना पॉटी करने का नया वो बनाया है, इसके अंदर ही पॉटी कर लेती है ये। नहीं कमरा नहीं, तेरी ड्रेस भी ऐसी अच्छी लग रही है। तो ये भाई साहब हाथ से गेट खोल रहे, टोल गेट। सो हम लोग अपनी गाड़ी से रोहतक गए। हाईवे बहुत अच्छा था, जल्दी से पहुंच गए हम लोग। वहाँ जाके मैंने एंजॉय किया और उसके बाद फिर मैं कैमरा खोलने का मेरा खुद का ही मन नहीं किया। मैंने कहा शादी है अभी, एंजॉय करते हैं शादी को, व्लॉगिंग व्लॉगिंग चलती रहेगी। तो ये था व्लॉग, जितना हमने व्लॉग किया सब कुछ अच्छे से निपट गया। आप लोग की दुआएं हैं। प्रतीक का इंस्टाग्राम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन गो। और या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप उनकी स्टोरी फॉलो कर सकते हैं और उनको जाके आप कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं कि ये एक ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है। उनको बेस्ट ऑफ लक, उनकी दुल्हन पत्नी को बेस्ट ऑफ लक। काम बहुत सारे होते हैं, मैंने एक भी काम नहीं कराया, मैं खुला बोलता हूँ कैमरे पे। और मुझे कोई शर्म नहीं इस बात की, क्योंकि ये सब काम हमसे नहीं होते यार। मैंने अपनी शादी पे भी कोई काम नहीं कराया था। मुझे ये तक नहीं पता था कि खाने में कितना आइटम है। मुझे मतलब शादी के बाद वाले कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट था, मतलब घूमने में और वो सब। गलत मत समझना, बट तो हम ऐसे ही हैं। मैं कुछ तैयारी भी नहीं करी शादी में। मेरी शादी के एक हफ्ता पहले तक मेरे पास पहनने को कुछ नहीं था। मेरी माँ परेशान थी, हाय मेरा बच्चा तो पुराने सूट ही पहन के रखा। जिस दिन मैं शादी की अपनी ड्रेस सिलवा के आया, नाप ले आया, मेरी मम्मी कहती है मैं बहुत खुश हूँ बेटा। मैंने कहा क्यों मम्मी, क्या हो गया? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बच्चा, मेरा एक ही बच्चा, और तो शादी में अपनी शेरवानी पहनेगा। उनको था कि मैं शेरवानी मेरी सिलेगी नहीं, मैं इतना आलसी बंदा हूँ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करें, शेयर करें। और आपको पता है क्या करना है, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ हर वीडियो में। तो अभी निकलने का टाइम हो गया होटल से, मेरा खाना आ चुका है। एंड जी हाँ, जब तक आप नहीं करेंगे मैं आपको बोलता रहूँगा, क्योंकि मेरा हक बनता है और मैं हक अपना लेके रहूँगा। ठीक है, आपसे नहीं मांगूंगा, किससे मांगूंगा।